स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। बिहार बोर्ड क्लास टेंथ में जो है यानी मैथ का सिलेबस से जो है कौन कौन सा चैप्टर से आप लोगों का जो है यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड यहां पे जारी कर दिया। आप देख सकते हैं किस किस चैप्टर से आपका जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन सेट होगा, सारा डिटेल्स उस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इस वीडियो को अभी आप देख लेते हैं तो आपको जो है यानी 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैथ में 90 प्लस नंबर आपका आएगा इस वीडियो को अगर आप जो है देख लेते हैं पूरा। तो जितने भी मैट्रिक के छात्र छात्रा हैं, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चा जो है जान सके। ये जो है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो अभी तक आप जो है नहीं देखे होंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पे, और ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए जो है आप लोग को बने रहना। यहाँ पे देख सकते हैं और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स अब की बार पूछा जा रहा 2024 के परीक्षा में, कौन कौन सा चैप्टर से आपका जो है नंबर आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। पहला चैप्टर हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको, वास्तविक संख्या की बात करें यानी संख्या पद्धति की हम जब बात करते हैं तो इससे आपको जो है 10 नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मार्क्स, ये 10 मार्क्स आपको पूछा जाएगा, ये देख सकते हैं। अगर आपको जो है नंबर लाना है अच्छा खासा तो इस वीडियो को जो है पूरा फंडामेंटल आपको समझना है। देखिए यहाँ पे बीजगणित से यानी बीजगणित से जो है आपको बहुपद पूछा जाएगा। देखिए कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, देख सकते हैं यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी यहाँ पे 20 नंबर आपको पूछा जाएगा। बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी से आपको टोटल जो यहाँ पे 20 नंबर पूछा जाएगा। याद रखना ये सब चैप्टर से आपको जो है क्वेश्चन उठेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड की तरफ से जो आपको यहाँ पे दिया गया है। त्रिकोणमिति की हम बात करते हैं, त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ से जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय जो है इससे आपको क्वेश्चन उठेगा। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग अनुप्रयोग ये आपको पूछा जाएगा। टोटल जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा करके 20 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। इसके बाद जो है चौथा में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नियामक ज्यामिति, जो हम बता रहे हैं अगर इतना चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है 90 नंबर जो है प्लस ही आएगा। निर्देशांक ज्यामिति, जिससे कि 10 नंबर ये आपका फिक्स है, ब्रह्म लकीर 100%। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ज्यामिति है, ज्यामिति में आपको क्या क्या पूछेगा, त्रिभुज पूछेगा, वृत्त पूछेगा, रचना पूछेगा, और टोटल जो है इसका नंबर जो आएगा वो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति जो आपको जो पूछा जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 3 चीज आपको पूछा जाएगा, तो इनसे आपको 10 नंबर उठेगा। तो ये देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड जो है बहुत ही जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो यानी यहाँ पे जो है बता दिया गया है। संख्याकी की बात करें तो संख्याकी प्रायिकता की बात कर रहे हैं हम, प्रायिकता से आपको जो है 10 नंबर पूछा जाएगा। कितने नंबर पूछेगा, 10 नंबर पूछा जाएगा, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगा करके। तो आप जो है यहाँ पे टोटल का जो हम बता दिए 100 का, 100 अगर आप चाहते हैं कि मेरा 90 नंबर जो है आ जाए 2024 में यानी टॉप नंबर आ जाए, यानी टॉपर बनना चाहते हैं, तो और भी सब्जेक्ट का हम लेकर के आएंगे कहां से किस चैप्टर से नंबर पूछा जाएगा, आपको कितना नंबर उठेगा, हमें कमेंट कीजिए इस वीडियो में जो है। आप लोगों को जो है सोशल साइंस, साइंस जो है, संस्कृत, हिंदी सब का बता देंगे कहां कहां से कौन सा चैप्टर से आपको जो है सवाल उठेगा। तो ये वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और भी चैप्टर का चाहिए और भी सिलेबस का चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए कहां कहां से आपको कितना पूछा जाएगा, सारा चीज हम बताएंगे आपको। ये जो है 90 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो जो हम आज बताए हैं इसको जो है आज ही से स्टार्ट कर दे, यानी जनवरी से पढ़ करके जो अच्छा खासा नंबर आप पा सकते हैं, इतना सारा जो आप कर सकते हैं। तो यस लिखिए, जो नहीं कर पाएंगे नो लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।